आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेट, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन सेट्स का भी दिया है, आरएमसी में आता है, तो इसमें थोड़ा सा सेट्स का फंडा है। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली इज, ओके, तो इसको कैसे करेंगे? आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड इन इंग्लिश। सी नाउ, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू। दिस इज अ वेन डायग्राम, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखना, ठीक है। आई एल ड्रॉ सेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं ज़रा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, डोंट पैनिक, कोई ज़रूरत नहीं है आपको समझने की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेट्स, देर आर टोटल 130 स्टूडेंट्स, तो 130 बाहर में लिखूंगा मैं, एंड यहाँ पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स का मैं ऐसे सेट बनाऊंगा, ऐसे बनाते हैं, दिस इज़ फॉर इंग्लिश एंड दिस इज़ फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें ई लिखता हूँ और इसमें एम लिखता हूँ, ठीक है। सो देर आर 62 फेल्ड इन इंग्लिश। अब 62 फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश तो ये पूरा, इसमें मैं 62 नहीं लिख सकता। 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, दिस कॉमन पोर्शन, दिस इज 24, दिस इज 24। अब मिलने बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश को मेंशन करना कि कितने फेल्ड हैं स्पेसिफिकली इन इंग्लिश। अब आप 62 में से फिल सब्ट्रैक्ट 24, यू विल गेट दिस पोर्शन, ठीक है। इसमें तीन पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, मैं ग्रीन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाले को मैं ऐसे ग्रीन कर लेता हूँ, और कॉमन जो पोर्शन है 24 जो दोनों में है वो रेड से है, और जो सिर्फ मैथ वाला है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई कैन मेंशन, अब देखो मैं किस तरीके से लिखता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? ओनली इंग्लिश वाले, ठीक है। टोटल इंग्लिश वाले 62 हैं, जिसमें से 24 कॉमन है, तो 24 सब्ट्रैक्ट करो आप, ठीक है। इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट 24, कितना जाएगा? 38। तो 38 आ गए इंग्लिश वाले, ठीक है। इफ यू विल ऐड इंग्लिश और कॉमन पोर्शन, यू विल गेट 62 ओनली। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम मैथ्स, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें, तो 52 फेल्ड ना, 52 फेल्ड, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 28 आ जाएगा, 28, ठीक है। क्योंकि पूरा जो मैथमेटिक्स है वो 52 है, जिसमें 24 कॉमन है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली। तो ये तो जो सेट्स के अंदर फेल वाले हैं, पास्ड वाले यहाँ पर है, ये जो अंदर यहाँ पर होंगे पास्ड वाले। तो आप टोटल 130 में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो पास्ट वाले कैसे आ जाएंगे? पास्ट वाले आ जाएंगे। अगर आप 130 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? व्हाट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट? दिस 38 प्लस 24 प्लस 28, ये जो सारे बच्चे हैं, ये फेल वाले बच्चे हैं, ये फेल वाले हैं, ठीक है, फेल। और ये जो 130 बच्चे हैं, ये टोटल हैं, टोटल हैं, ठीक है। तो अगर आप टोटल में से फेल वाले बच्चे हटा देंगे, तो यू विल गेट पास वाले बच्चे जो पास हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फंडा। अगर आपको समझ भी नहीं आया, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130 माइनस 38 प्लस 24 प्लस 28 विल बी हाउ मच? सो 8 एंड 8 16, 16 फोर 20 का 0, कैरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 130 माइनस 90 एंड इट विल गोइंग टू गिव यू 40, ठीक है। सो द आंसर इज 40। आई होप आपको समझ में आया हो। देर इज़ वन फॉर्मूला ऑल्सो फॉर दिस। अच्छा, लेट मी टेल यू वन फॉर्मूला, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब होता है दो सेट्स का इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस केस में, यहाँ पर इस केस में ए और बी तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास है इंग्लिश और मैथ, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश यूनियन मैथ वाले कितने हैं? एन ऑफ ई एन ऑफ इंग्लिश प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ई, सॉरी नॉट बी, एन ऑफ एम, सो माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ठीक है। ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑफ ई वाले कितने हैं? देखो सर, सारी चीज़ें दी हैं, 62, यहाँ पर हम पूरी वैल्यूज देंगे, लेंगे 62 प्लस एन ऑफ एम, मैथमेटिक्स वाले टोटल कितने हैं? 52 माइनस एन ऑफ ई, ये कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन कितने हैं? 24 है, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑफ ई,
एन ऑफ ई यूनियन एम आ जाएगा एंड इट विल, ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, इट विल गोइंग टू गिव यू, दिस विल बी 2 इंटू 4, 4 एंड ओके 0, 11, 9, 90, ठीक है? तो ये 90 आ गया. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड पास वाले. ये तो सारे फेल वाले हैं. पास वाले कैसे जाएंगे? पास वाले आपने आपने यहाँ पर लगाना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगाते हैं, एन ऑफ ई यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टोटल में से 130 माइनस एन ऑफ ई यूनियन एम, ठीक है? सो 130 माइनस 90 आ गया 40, ठीक है? तो ये कौन से वाले बच्चे हैं? ये पास वाले बच्चे हैं, ठीक है? हम चाहे तो उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं.